राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले में 20 विकास खंडों के लिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिसके लिए 8 जुलाई को नामांकन होंगे और 10 जुलाई को मतदान व उसी दिन मतगणना भी होगी। सभी चुनाव संबंधी कार्यवाही 3 दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए 5 जुलाई से 10 जुलाई तक का समय तय किया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी 5 जुलाई को ही चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर देंगे। प्रमुख पद के लिए नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच 8 जुलाई को होगी। नामांकन वापसी की कार्रवाई 9 जुलाई को की जाएगी। 10 जुलाई को मतदान व मतगणना किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशक अनुसार जो प्रमुख है ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन की प्रक्रिया 8 जुलाई से आरंभ हो जाएगी। 8 जुलाई को सभी नामांकन जो भी इच्छुक बीडीसी मेंबर हैं, जो भी इसके लिए नामांकन करना चाहते हैं, वो 8 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे 3 बजे तक इसका नामांकन कर सकते हैं। उसी दिन 3 बजे के बाद जो है नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद 9 जुलाई को 11 बजे से शाम 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। और जहां पर भी एक से अधिक कैंडिडेट रहेंगे वहां पर 10 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। और उसी दिन 10 जुलाई को अपराह्न 3 बजे के बाद तब तक जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसकी मतगणना जारी रहेगी। ये निर्देश माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या उप प्रमुख का भी चुनाव होगा सर? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमुख का चुनाव होता है। उप प्रमुख का पद अब नहीं है, पहले उप प्रमुख का पद हुआ करता था, अब नए जीओ के अनुसार उप प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। और गोरखपुर में कुल 20 ब्लॉक हैं, तो 20 ब्लॉक के 20 प्रमुख पद के लिए ये चुनाव होगा।